हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड तड़का में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक जाने माने बॉलीवुड हस्ती किंग खान के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शाहरुख खान की 7 फिल्में आने वाली है, जिसमें से 2 तो अगले 50 दिन में ही रिलीज होने वाली है। तो आइए जानते हैं शाहरुख खान की कौन कौन सी फिल्में हाल ही में रिलीज होने वाली है। टाइगर 3 12 नवंबर को रिलीज होने जा रही सलमान खान स्टारर इस फिल्म में शाहरुख खान पठान के किरदार में कैमियो करेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा। डंकी राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल है। फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह हिरानी संग एसआरके की पहली फिल्म है। ऑपरेशन खुकरी पुष्टि नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान भारतीय सेना और वायु सेना के मिशन खुकरी पर बेस्ट फिल्म ऑपरेशन खुकरी कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर होंगे। जवान 2 जवान की अपार सफलता के बाद डायरेक्टर इटली कुमार शाहरुख खान के साथ जवान 2 लाने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म 2025 में रिलीज होगी। टाइगर वर्सेस पठान खबरों के मुताबिक यशराज फिल्म्स टाइगर वर्सेस पठान ला रहे हैं, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। करण जौहर की अनाम फिल्म रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर के साथ भी शाहरुख खान एक फिल्म कर रहे हैं, जिसका टाइटल और डेडलाइन अभी तक सामने नहीं आई है। सुजोय घोष की अगली फिल्म रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान डायरेक्टर सुजोय घोष की अगली फिल्म में नजर आएंगे, जो उनकी बेटी सुहाना खान की दूसरी फिल्म होगी। शाहरुख खान का इस फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो होगा। अगर शाहरुख खान के बर्थडे की बात करें तो शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी में पहुंची करीना, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा दलानी के बर्थडे में सेलिब्रेशन की फोटो करीना कपूर और करिश्मा कपूर ने शेयर की है। तो ये थी हमारी प्यार भरी कुछ बातें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।